हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप एक दो बार की पिनी हुई गाउन को कन्वर्ट कर सकते हैं लहंगे में। इसका मैं ब्यूटीफुल लहंगा बनाने वाली हूँ आज। ये दो तीन बार पहन चुकी है मेरी सिस्टर और ये अब थोड़ी सी ओल्ड लगने लगी है। अब इसको मैं नया लुक देने जा रही हूँ आज और इसका मैं लहंगा बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास भी गाउन पड़ा हुआ है और बोर हो चुके इसे पहन के, तो आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पीसेस को निकाल देंगे, जितने ये पीसेस लगे हुए हैं या इसको हम निकाल देंगे। अब इसको अलग कर लेना है, जैसे कि मैंने ये आप देख सकते हो चोली का पार्ट अलग कर लिया, फ्लर का पार्ट अलग कर लिया। अब यहाँ से इसका सिलाई तोड़ लेंगे। इस दोनों फ्लर का मैंने बन बन साइड से सिलाई तोड़ लिया है। अब सबसे पहले अस्तर को इस तरह से टू फोल्ड में रखेंगे, ऊपर साइड कमर की मार्किंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कमर, मेरी मेजरमेंट से कमर है 32 इंचेस, इसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंचेस। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, 34 इंचेस का आधा होगा 17 इंचेस, तो यहाँ पर हम 17 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। ऊपर से इसकी लेंथ देख लेंगे, इसकी लेंथ काफी कम है तो रहने देते हैं। लहंगे की 40 इंचेस हम लेंथ लेंगे तो ये इसका जितना है उतना ही रहने देते हैं। वैसे भी अस्तर कम लेना होता है हमेशा, लहंगे के बराबर अस्तर को कभी नहीं लेते। अब इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, इसमें भी हम 17 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसमें हम लहंगे की फुल लेंथ देख लेंगे, नीचे से हम फुल लेंथ मेजर करेंगे क्योंकि इसका फ्लेयर कट नहीं कर सकते हैं। जो भी कटेगा ऊपर से ही कटेगा क्योंकि फ्लेयर को हम कट नहीं कर सकते हैं, फ्लेयर कम हो जाएगा। इसलिए नीचे साइड से हम 2 इंचेस नेपे के लिए लीव कर देंगे, उसके बाद से फुल लेंथ ले लेंगे। इसकी फुल लेंथ में ले रही हूँ, 40 इंचेस का मुझे लहंगा तैयार करना है तो पूरा टोटल ये 40 इंचेस का ही है। तो यहां से मुझे ऊपर से कट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप इसकी हाइट कम करना चाहते हैं तो ऊपर से ही कट करें। इस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूं और आप इसको कट कर लेंगे। अगर आपका फ्लेयर बड़ा है तो आप ऊपर से ही कट करें, नीचे से बिल्कुल भी कट ना करें। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब इसका अस्तर देख लेंगे, अस्तर को इस तरह से रखेंगे। ये मैंने कैनकन लिया है, कैनकन को इस नीचे साइड रखेंगे क्योंकि जो इसमें कैनकन लगा हुआ है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऊपर करके इसको इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ये वाला इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी प्लेट्स बना लेंगे। एक प्लेट्स को इस साइड फोल्ड करेंगे, एक प्लेट्स को इस तरफ से, तो पूरे में प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से मैंने प्लेट्स बना लिए हैं, जो इसमें कैनकन लगा हुआ था उसको मैंने ऊपर करके लगाया है। अब यहां पर इसको बराबर से रखेंगे और इसके दोनों पार्ट्स को कमर की साइड से जोड़ लेंगे। ये मैंने जोड़ लिया है और आप फ्लेयर भी देख सकते हो, काफी इसका हैवी लुक आ रहा है। अब यह इसका अस्तर हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले अलग ही अस्तर जोड़ेंगे क्योंकि साथ में हम इसको फ्लेयर के साथ जो मेन फैब्रिक का फ्लेयर है उसको साथ में नहीं जोड़ सकते क्योंकि अस्तर बहुत कम है इसलिए। और इस तरह से हम ऊपर साइड लेते हुए जाएंगे, ऊपर की साइड करीब
2 इंचेस तक लीव कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिनअप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, 2 इंच को लीव करेंगे। यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, ये टू इंचेस में हमें सिलाई नहीं लगानी है। अस्तर के फ्लावर में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से मेन फैब्रिक में हम सिलाई लगा लेंगे 2 इंचेस को लेप करते हुए। ये इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो 2 इंचेस लेप किया था हमने, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अस्तर के साथ ही मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसका राउंड मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने से जो भी आएगा उससे हम उसे 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, इसको मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हाफ हाफ इंचेस दब जाएगा, इसलिए 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। इसको मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। इसकी विड्थ दिखा देते हैं, विड्थ लेनी है 3 इंचेस विड्थ लेनी है। 1 साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसमें हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक पक्का कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है और इसको सीधा भी कर लिया है मैंने। अब यहाँ से जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम उल्टे साइड से रखेंगे। इस तरह से अस्तर को पहले सिलाई लगा लेंगे। अब इसको ऊपर साइड फोल्ड कर देंगे, जो मेन फैब्रिक है पट्टी का उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। खींचते हुए सिलाई नहीं लगाना है, लूज लूज करते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से रखते हुए जाएंगे और पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब इसमें डोरी कैसे डालेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी जैसा ही आपका गाउन हो। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी लेस ले सकते हैं आप, मैं बताने के लिए लेस ले रही हूँ। दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसके अंदर से हम डोरी को डालेंगे बांधने के लिए। इस डोरी को इस लेस के अंदर से डालेंगे, लेकिन मैंने इसको पूरा बंद किया हुआ है और इसमें मुझे कोई भी लेस यूज़ नहीं करनी है। अब इसको यहाँ से हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे डोरी को। इसको कर लेती हूँ मैं, डोरी को मैंने इंसर्ट कर लिया है। ये मैंने इयररिंग लिए हैं, तो आप कोई भी इयररिंग का यूज़ कर सकते हैं या लटकन का यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको निकाल लिया है। अब डोरी में डाल लेते हैं, इसको मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पर ये मैं 2 पीसेस ले रही हूँ। ये इसमें हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये मैंने उसी गाउन से निकाले हुए थे और इसको हम यहाँ पर अच्छे से रखेंगे। और ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से रखेंगे। ये बीच में स्पेस आ रहा है तो बीच में हम इस तरह से रखते हुए इसको हम हैंड से स्टिच कर देते हैं। ये इसका लुक आप देख सकती हो, काफ़ी प्यारा इसका लुक आया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका छोली का कटिंग स्टिचिंग बता दूंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया, तो इसका छोली का वीडियो भी जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो छोले का आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।